नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। शाहजहांपुर पुलिस ने एक हफ्ते पहले बोलेरो चालक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के चलते पत्नी के प्रेमी ने गोली मारकर हत्या की थी। फिलहाल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। दरअसल एक हफ्ते पहले 3 दिसंबर 2020 को संजय नाम के युवक की उसकी बोलेरो में गोली लगी हुई लाश मिली थी। मृतक संजय की पत्नी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच और सर्विलांस के आधार पर पुलिस को पता चला है कि मृतक संजय की पत्नी के अवैध संबंध सचिन नाम के व्यक्ति से थे, जिसका पता उसके पति को चल गया था। रास्ते से हटाने के लिए मृतक की पत्नी ने षड्यंत्र के तहत अपने प्रेमी को पति की हत्या के लिए कहा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी रेशमा और उसके प्रेमी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से इस्तेमाल किया गया तमंचा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 4 दिसंबर की रात्रि में जब हमारी चीता मोबाइल गश्त पे थी, तो उसने एक बोलेरो स्पॉट किया काशीराम कॉलोनी से आगे आवास विकास की तरफ, जो सब स्टेशन है उसके बाहर उससे करीब। और जब हमको संदेहजनक प्रतीत हुआ तो नज़दीक जाके जब देखा तो उसके अंदर एक व्यक्ति जिसको गोली लगी थी उसी के अंदर लुढ़का पड़ा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तत्काल थाने को सूचना दी गई, थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और उस मृत व्यक्ति का नाम संजय था। उसकी पत्नी की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या का। यह स्पष्ट था जो मौका था और जिस हिसाब से वो उसके अंदर उसका शव पाया गया था, कोई लूट की घटना इत्यादि नहीं थी। यह स्पष्ट था कि यह हत्या की घटना है और कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस बारे में जानता था उसके मूवमेंट के बारे में, क्योंकि वो अचानक उसके यहाँ कॉल कोई आई थी जिस पर वो बाहर निकला था। अस्पताल में, जिला अस्पताल में उसकी वो बोलेरो चलती थी वाहन के रूप में, जो डॉक्टरों को ले आने ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इस पर गहनता से विवेचना की गई और इसके नंबर्स वगैरह भी लेकर देखे गए। उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी अवैध संबंध से संबंधित मामला है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया था, पूछताछ की गई और उसी आधार पर यह क्लियर हो गया कि इसकी हत्या में सचिन नामक लड़के का हाथ है। इसके बारे में जब बैकग्राउंड का पता किया गया तो ये पहले काशीराम कॉलोनी में ही उसी कैंपस में वो एक कमरे में रहता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वहाँ से वो दूसरी जगह रहने गया था अजीजगंज में, लेकिन उसके ताल्लुकात इस महिला से लगातार थे। तो जब उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से टीमें गठित की गई और अल्टीमेटली उसकी गिरफ्तारी कल संभव हो सकी, पूछताछ जब की गई तो उसने बिल्कुल इस घटना को किए जाने के की स्वीकारोक्ति की और उसने यह कहा कि इस महिला से उसके संबंध थे, जो मृतक है उसकी पत्नी से, और बार बार वह उकसाती थी, वह इससे विवाह करना चाहती थी और यह लड़का भी विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी शर्त उसने यह रखी थी कि जब इसको रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।